आप देख पा रहे हैं ये 7 सीटर साइजिंग अगर आप देखेंगे ना तो ये 5 सीटर कार से भी ज्यादा स्पेस इसमें इन्होंने निकाला है। कैसे निकाला है? आपने साउंड सिस्टम तो बड़ा लाजवाब लगा है। नहीं वो तो कंपनी का है ना? इसके वजह से वो 4 चांद लग गए उसको। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. गुड मॉर्निंग गाइज, अभी हम लोग यहाँ पे हैं शिमला में और अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि अपनी दोनों कार। अभी नाइट में बारिश बहुत तेज़ हुई थी और मैं हेक्टर जो अपने साथ है उस हेक्टर में बहुत कुछ मॉडिफिकेशन किया हुआ है और वो इतना ज़्यादा इतना मस्त कस्टमाइज किया हुआ है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सबसे पहले मैं आपको ये जो प्रॉपर्टी जहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हमें शिमला में मिला हुआ है और शिमला में हम लोग 2 दिन से यहाँ पर स्टे किए हुए हैं। हमारी गाड़ी अभी गंदी है और हेक्टर साफ़ सुथरा है, कल हम लोग कहीं गए नहीं थे। तो मैं आपको मिलाता हूँ स्वप्निल जी से। हाय, गुड मॉर्निंग स्वप्निल जी, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। अभी आप बताइए कि क्या क्या आपने गाड़ी में किया हुआ है? वैसे तो नॉर्मली कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ, सिर्फ मेरा ये 7 सीटर हेक्टर है। हाँ, हेक्टर प्लस है। हाँ हाँ, पर पीछे के सीट्स मैंने बच्चों के लिए लिए थे। हाँ हाँ, पर बच्चे बैठ ही नहीं रहे। हाँ हाँ, मैंने उसका इस्तेमाल मेरा जो 15-20 दिन का जर्नी है उसका सामान रखने के लिए किया। ओह माय गॉड, लुक एट ये एक तरीका है जिसमें आप देख पा रहे हैं ये 7 सीटर कार है। बूट स्पेस साइजिंग अगर आप देखेंगे ना तो ये 5 सीटर कार से भी ज्यादा स्पेस इसमें इन्होंने निकाला है। कैसे निकाला है? यहाँ पे ये जो 2 सीट रहता है इन्होंने हटा दिया। हटाने के बाद यहाँ पे देखेंगे 1.5 फीट के आसपास तक का स्पेस बचा होगा। ओ माय गॉड, तो ये ऑलमोस्ट 1 फीट का स्पेस पूरा का पूरा निकल जाता है इसके बाद। और इस बाजू ये अपना कंपनी का वूफर वगैरह है। अच्छा, सब वूफर वगैरह का है और टूल बॉक्स का यहाँ पे स्पेस है। वाह, ये हटाने के बाद ये देखिए इन्होंने ये जो बैग देख पा रहे हैं ये भी मार्केट में नहीं मिल रहा, आपने ये बनवाया है? बनवा के लिया है कंपनी के नाम से। अच्छा, टूर बैग आता है प्लास्टिक वाला। हाँ हाँ, वो बहुत जगह खाता है। हाँ, मैंने ये लेदर बैग बना के लिए। हाँ, जो दब जाता है। हाँ हाँ हाँ, 4 बैग एक साथ बैठ रहे। हाँ, प्लस 2 बैग उधर बैठ रहे। हाँ, वो बैग का साइज भी दिखाता हूँ मैं। लोगों की फैमिली है हमारी। हाँ, 2 बच्चे। हाँ, मम्मी पापा। हाँ, मैं और। ओह माय गॉड, इतना अंदर गया हुआ था। हाँ, आपने फुल यूटिलाइज किया है। एक चीज और दिखाता हूँ गाइस कि ये इसका जो लेवल है ये 1 फीट है, वो आई थिंक 1.25 फीट, 1.25 फीट, 1.25 फीट के आसपास पैर रखने की जगह है ना ये। हाँ, सीट के और उसको भी आपने इस तरीके से इस्तेमाल किया है। वंडरफुल। और ये सारे बैग अंदर कर देने के बाद मतलब फुल हाउस होल्ड इसके अंदर कि आप खाना बनाने से लेकर के कपड़े ठंडे गर्म नॉर्मल कपड़े सारी चीजें। और ये लेवलिंग के लिए जो भी गर्म कपड़े लगते हैं बीच बीच में। हाँ, इसको लेवलिंग कर लिए। ये प्लाईवुड ऐसे ही घर से निकला है। हाँ, और ये है इम्पोर्टेड इनका प्लानिंग इंडियन जुगाड़। ये प्लाईवुड इसलिए लिए है। हाँ, इसके ऊपर रख सको। हाँ, ये मेरा 7 सीटर है तो ऐसा 5 सीटर में ये प्लाईवुड आते हैं। हाँ हाँ, अच्छा 5 सीटर में प्लाईवुड भी अंदर आते हैं। हाँ, वही ब्लैक कपड़ा के ऊपर डाल करके ना। हाँ हाँ, ये मैं अभी जाने के टूर हमारा अचानक से हो गया करके ये कपड़ा नहीं लगा पाया। हाँ हाँ हाँ, ओ इसको कटिंग भी आपने बराबर किया घर पे पापा किए थे ना उस दिन नाइट में, वही कटिंग हो गई थी। वही, वही, वही। नाइट में 1 बजे कटिंग हो गई थी जब हम लोग प्लानिंग कर रहे थे यहाँ आने के लिए। और अब देखिए फुल साइज सीट ओपन हो गया है, सामान सारे अंदर है, इसमें 2 बच्चे आराम से सो जाते हैं। और इनफैक्ट अगर एडल्ट को सोना है तो 1 सीट को मोड़ देंगे, है ना? मोड़ सकते हैं, ये अभी ये एडल्ट सो सकता है ना, वो थोड़ा सा लेवल खाली के लिए हमने ऐसे घर से छोटे पतले कंबल वगैरह। हाँ, तो ये ले लिए। हाँ हाँ हाँ, तो ये ऐसे डबल करके यहाँ पे डाल देंगे तो वाव वाव। और बहुत सारे लिए हमने, कम ना पड़े। और हमने हमने जो बेड लिया है आई थिंक 6x ये है 6x4 का है, वो बेड लग जाएगा पूरा प्लेन एकदम। ये मुझे लग रहा है 3-स्टार होटल 4-स्टार होटल हो जाएगा। प्लस 6 लोगों का सामान, प्लस 6 लोगों का सामान और बैठने का सारा व्यवस्था। अमेजिंग सीरियसली। तो ये सब चीजें हैं जो आज के डेट में गाड़ियों में होता क्या है कि लोग ग्राउंड क्लियर सॉरी ये जो इंटरनल स्पेस है बूट स्पेस खासकर की बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है जिसमें कि लोग लीटर में मापते हैं। लीटर को छोड़िए,
उसको किस तरह से यूटिलाइज किया जाता है ये देखिए एग्जांपल। और एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूँगा स्वप्निल जी कि आप जैसे ये गाड़ी चलाते हैं, पीछे भी लोग बैठे हुए हैं, सामान इतना रखा हुआ है, सामान थोड़ा ओवर भी कई कबार हो जाता है, फुल हो तो जाता उसकी है, जरूरत नहीं है मुझे, दिक्कत नहीं है। मैंने SRS का वो DVR लगवा दिया है। हाँ, वो आपको सामने दिखेगा। मैं तो होम थिएटर बोलूंगा उसको। मैं तो होम थिएटर बोलूंगा। 10 इंच स्क्रीन है कंपनी का दिया हुआ। हाँ, प्लस मेरा SRS का वो DVR है, वो ऑन करता हूँ। ओह माय गॉड, सो लुक एट दिस, ये पूरा का पूरा आपने ना थिएटर ही बना दिया है सर। मेरा ये 7 सीटर 360 व्यू नहीं है। हाँ हाँ, फ्रंट और बैक का वीडियो रिकॉर्डिंग में करने के लिए मैंने वो SRS का। हाँ, तो इसको आपने रास्ते में जैसे अभी ट्रिप में कितना मतलब हेवीली आपने यूज किया और कैसा? मैं मैप्स तो नीचे का मैप जो है मैप में इंडिया का हेक्टर का दिया हुआ, इतना यूजेबल नहीं है। हाँ हाँ, वो तकलीफ देता है क्योंकि उसमें जी मैप, वो एंड्रॉइड है, फुल एंड्रॉइड है। हाँ हाँ, यूट्यूब चला लेते हैं, उसके बाद गाने सुन लेते हैं, एंड्रॉइड ऑटो भी है उसमें। हाँ, पर मैं उसमें जी मैप यूज कर लेता हूं। फोटो भी आ गई है। हाँ, इधर मैप यूज कर रहा हूँ। वाह, So, ये उसका बैक कैमरा है। ये इंस्टॉलेशन भी बहुत सही है। मैं घर पे किया हुआ है इंस्टॉलेशन। हाँ, तो ज्यादा तकलीफ भी नहीं होती है। आइए आगे, आपको ऊपर से मेट्रो चल रहा है, वो ट्रेन की आवाज आ गई है। वाओ, और ये सारे क्या क्या आइटम आपने लगाए? ये मसाजर आई थिंक मसाजर सीट है। हाँ, पैड के लिए थोड़ा लग जाता है, पीठ का तकलीफ ना हो करके। हाँ, हाँ, ये मसाजर सीट है। हुँ. जो 12 वोल्ट पे चल जाता है। हुँ. वो भी एक लिया था मैंने। और पावर उसको इससे देते हैं जो एक्सटेंडर है। ये आपके लिए ये बहुत काम की चीज है। हाँ, ये हमारे 700 में ये नहीं है। हाँ, स्लिम मोबाइल इसमें बैठ जाता है, वैलेट भी इसमें बैठ जाएगा, कार्ड। सही, ये एक मैंने लिया है, ये भी SRS का मिलने वाला है, पर मैंने अभी के लिए ऑनलाइन मंगवाया है। हाँ हाँ हाँ, ये हेवी है। और हाँ, इसमें तीन वैरायटी है ना? यस, ये USB-C है। और वाटेज कितना है मुझे धूप में देखना पड़ेगा। ये 100 वाट। ओ माय गॉड, 100 वाट का फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ। पावर डिलीवरी, उसके बाद DC 16 वाट का एक और 20 वाट का। ओ माय गॉड, हिलाने वाला हिसाब। ओ, YouTube चालू कर दिया आपने? YouTube लगा दे तो अभी मैं एक। हुँ. और ये भी ऐसा है कि हम गाड़ी चलाते चलाते बात करके बोल सकते हैं। हाँ, WhatsApp पे भी आपने वीडियो सॉन्ग्स। आपने साउंड सिस्टम तो बड़ा लाजवाब लगाया है। नहीं, वो तो कंपनी का है, पर ये इसके वजह से वो 4 चांद लग गए उसको। चांद तो एक ही है, चौथा नहीं, पर ये चौथा चांद है हमारे लिए। आपको मैं हाई क्वालिटी में भी दिखा दो। इसको सिम बैठ जाता है, मेमोरी कार्ड बैठ जाता है, 256 GB तक मैक्स बैठ जाता है इसमें अभी के लिए। हाँ, वो अपग्रेड हो जाएगा। ये स्क्रीन देखिए, मैं आवाज भी बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। कितना हैंडी चीजें आपने लिया है। इसका हाइट ना एक मतलब हाथ के लेंथ के से भी कम है। इस पे 2 लैपटॉप 3 मोबाइल लग जाते हैं। मैंने स्पाइक गार्ड भी लिया हुआ है। पूरा स्पाइक गार्ड पे मतलब चार्जर एक साथ लगा सकते हैं। मतलब गाड़ी के अंदर आपका इलेक्ट्रिसिटी भी अवेलेबल रहता है। कोई टेंशन नहीं है, है ना? लैपटॉप वगैरह सब है। आपको टायर इन्फ्लेटर दिखा देता हूं। हाँ, ऑर्गेनाइजेशन और ये चीज कोई आपसे सीखे। और सर में लगाने वाला इधर रखा हुआ है, आई थिंक। हाँ, वो भी है, वो भी दिखा देता हूं। ये एक पोर्टेबल है। हाँ, वो बैटरी से चलता है। हाँ, MIQ वो का ना। हाँ, वाह, ये हेवी है। और सब जगह ये फुटबॉल बॉल सब जगह चल जाता है। सब जगह चल जाता है, साइकिल वगैरह के लिए यूज हो जाता है, कार के लिए भी। कार का डेढ़ पूरा टायर 0 to 100 कर देता है ये। हाँ, और प्लस ये मैनुअल है। हाँ, जो सिगरेट लाइटर से चल जाता है। अच्छा, 150 PSI का। हाँ, हाँ। और ये वजन कितना है? एकदम हल्का है। हल्का है ये। 300 ग्राम के आसपास का रहेगा आई थिंक। उसके बाद और एक चीज दिखाता हूँ, ये भी मैंने लिया, ये भी बहुत यूजफुल हो रहा है। हाँ, कंधा किसी को झपकी आ गई है तो उसको सीधा करने का, वो सो सकता है उसकी। अच्छा, ये इस तरह से लग जाएगा, गर्दन के लिए तकलीफ नहीं होती है। हाँ, और इसमें चाहिए तो एक सिंगल भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ, सिंगल भी नीचे ऊपर नीचे कर सकते हैं, उल्टा उल्टा भी कर सकते हैं। और एक बड़ी चीज रह गई,
तो इसका मतलब जो अगर को ड्राइवर सीट पे कोई बैठे हैं अगर उनको झपकी आ गई तो उनको कंट्रोल करने का ये कार्ड ये जबरदस्त। और एक ये है SRS का नया प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट किस लिए यूज होता है? तो जो धूप के लिए आता है। हाँ हाँ हाँ। इसका साइज पहले दिखा देता हूँ मैं, कितना छोटा हो जाता है ये। हाँ, तो ये रिफ्लेक्टर है ना जो विंडशील्ड कवर है। हाँ हाँ, ये देखिए ये इतना छोटा हो जाता है, और भी छोटा कर सकते। वजन इसका लगभग 10 ग्राम के आसपास है ना। पर ये इतना यूजफुल है, ये मैग्नेटिक है। हाँ, अभी ये मेरे ख्याल से वो साइड का ड्राइवर साइड का है, उधर चलते हैं। हाँ 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 हाँ, उस तरफ चलते हैं। बहुत सारे आपने इतना मतलब आपसे तो MG कंपनी सीखे कि हाँ ये कैसे मेड इन इंडिया ये हो जाता है। ये इस तरह से चिपक गया जाता है। ओके, साइड करना है तो सिर्फ इसको सरकाना है। वाह, ये साइड हो जाता है। वाह, अच्छा चिपक पे वो अटक जाएगा। अभी हवा और... में करके बाहर आ रहा है, नहीं तो गाड़ी में इसे साइड में रह जाता है। हाँ, और बाहर साइड में ये रिफ्लेक्टर है। हाँ, इस वजह से गर्मी बाहर नहीं आता, उल्टा सिल्वर कलर का रिफ्लेक्टर है। हाँ, और इसमें चालान का भी दिक्कत नहीं है कोई लोगों के, तो उसको रिमूव कर दे, निकाल दो। हाँ, हाँ, चलते अचानक से विजिबिलिटी जा गया, सीधा पकड़ के खींच दिए है ना, इजी है तो अनॉय नहीं होंगे। सीट के लिए भी सेम आता है, पूरा सीट ढक जाता है वो। वाओ, सो ओवरऑल एक बहुत अच्छा आपने ऑर्गेनाइज किया। ऊपर आपने टिश्यू पेपर रखने का ये किया ना, वो भी एक है। हाँ, ये भी एक लिया था मैंने। हाँ, जिसमें यहाँ पे डायरी वगैरह कुछ लिखना है, यहाँ पे गॉगल एक्स्ट्रा यहाँ पर है। हाँ, पर एक मेरे दो बच्चे तो दोनों के गॉगल इसमें बैठ जा रहे हैं। इसमें टिश्यू पेपर्स है। हाँ, खत्म हो गए मेरे ख्याल से। वाह वाह, दैट्स ग्रेट, अमेजिंग सर जी। और मैंने यहाँ आने के लिए फॉग लैंप लगाए थे। हाँ, फॉग लैंप तो आपका अलाउड नहीं है तो मैंने उनको ढक दिया है। हाँ, तो मेरे को चालान की यहाँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल इन सब में 10,000 रुपीज का चालान है। 10,000 रुपीज का। और उसको मतलब अगर खोल के जलाए नहीं भी तो भी चालान लगना ही लगना। हाँ, है लगना है करके मैंने वो ढक दिया। वाओ, दैट्स ग्रेट। और इसका एडास आप काम करता है क्या? बहुत अच्छे से काम करता है ना। आगे की गाड़ी अगर ये गाड़ी स्टॉप है। हाँ, और अचानक चलने लगी तो वो अपने को आवाज देता है कि चलो भाई आगे चलो। ये यूजफुल है, वो यूजफुल है। हाँ, नाइट में अगर रास्ता नहीं साफ दिख रहा है। हाँ, तो वो अपने को बताता भी कि आप लेन चेंज कर रहे हो। अच्छा, गलत लेन में जा रहे। अच्छा, हो अच्छा, या फिर आगे अचानक से गाड़ी आ गई तो वो भी बोलता है बी अवेयर ऑफ फ्रंट व्हीकल। हाँ, अच्छा अच्छा, टेक केयर ऑफ। हाँ, और इसका जो वाइड एंगल कैपेसिटी है इस कैमरे का बहुत ज्यादा है। आप अगर वो सीट पे आते, ये ड्राइवर सीट पे ही बैठ जाइए। हाँ हाँ, थोड़ा उठा के रख दीजिए। हाँ ठीक है ना, चलेगा। पीछे डिक्की का। हाँ, जो कंपनी का विंडशील्ड है। हाँ, इसको होम पे वाले मिरर में लगाएंगे। हाँ, अच्छा ये तो है, ये है विंडशील्ड, इतना व्यू आ रहा है। इसमें बैक साइड मतलब सर अगर आ गया तो थोड़ा बहुत कटता है। हाँ, और इसमें मैं अगर कैमरा ऑन करता हूँ, ये टच करता हूँ, ओह ये भी जूम है। हाँ, ये बाहर करेंगे तो ये देख, तो ये टोटल व्यू आ गया। तो एक तरह से पूरा वाइड एंगल, हल्का सा एक हल्का कर्व भी है ना। यहाँ पर भी खड़ा हो, आपको दिख रहे हो? नहीं, आप तो नहीं दिख पा रहे हैं, इधर बिल्कुल सी पिलर से ढक जा गए हैं, लेकिन कैमरा में बराबर दिख रहे हैं। हाँ हाँ, दैट्स ग्रेट। वॉइस कमांड वगैरह भी चलता है, वो बहुत अच्छे से चलता है। अमेजिंग सर, आपने यहाँ पे इसलिए नहीं लगाया, एक तो ये डिजिटल IRVM दिया हुआ है। हाँ, एक ये फीचर ऑटो डिमिंग कंपनी ने दिया हुआ है। हाँ, मैंने वो नहीं लगाया। हाँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, इवन इससे ज्यादा प्रैक्टिकल ये वाला है। प्रैक्टिकल वही है, और इसमें मैं WhatsApp भी यूज कर सकता हूँ। डायरेक्टली वीडियो वगैरह किसी को चलते चलते। हाँ, कोई यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे एक चीज मैं देखना चाहता हूँ कि लोग कितना भी कुछ कर लें, व्हाट्सएप वगैरह या मोबाइल यूज करते ही हैं ऑन द गो, तो उसके लिए बेस्ट प्लेस है कि उसको कहीं ऐसा कुछ टाइप का सिस्टम लगा दे ताकि वो पकड़ के रखे, है ना। तो चलते चलते अपन ट्रिप ट्रिप प्लानिंग की, नियर बाय में कौन सा घूमने की जगह है वो भी अपन देख सकते हैं, तो प्लानिंग में भी इजी हो जाता है। तो और होम थिएटर तो है ही, मतलब गाड़ी का सिस्टम तो बहुत जबरदस्त है, इंजन बहुत जबरदस्त दिया हुआ है। तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ ज्यादा कराया नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली के लिए ये सफिशिएंट। अब सोचिए ना, 7 सीटर कार को इस तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया है कि दिस इज रियली नेक्स्ट लेवल।
क्योंकि अपन का जो है ये सेगमेंट की जो कार है ये सब फुल साइज एसयूवी नहीं है, 4 मीटर 4.4 के ऊपर जाता है तब फुल साइज का आता है। और आपने जिस हिसाब से तैयार इसको किया है ना वो फुल साइज से भी ऊपर है। इतने जगह दी है छोटी छोटी, थोड़ी जगह है वो भी दिखा देता हूँ। और ये पावर बैंक भी है। अरे सही, दुबई से ढूंढ ढूंढ के लाए, जबरदस्त जबरदस्त। आपको वो साइड का जगह दिखा देते हैं, उसमें तो बहुत सारा सामान पड़ा है। ये करने का, ये जो पूरा मैनेज करने का इंस्पिरेशन आपको कहाँ से आया इतना? मैं बहुत ज्यादा घूमता हूँ, ये गाड़ी मैंने घूमने के लिए लिया है। अभी घूम रहा था तो स्पेस की बहुत दिक्कत आ रही है, सामान रखने, फैमिली को लेके घूमना है तो बहुत तकलीफ होता है। कुछ बोल नहीं सकते कि बाबा ये कम करो वो। ये देखिए, ये भी एक्सप्रेस एमजी ने दिया हुआ है। ये ज्यादा करके लोगों को मालूम नहीं रहेगा, इतना सारा स्पेस है और सामान बैठ सकता है। दैट्स ग्रेट, वाओ। और खोलना सीट को काफी इजी है ना, जो आपने यहाँ पे स्ट्रिप दिया हुआ है। नहीं, थर्ड रो का जो सीट आपने हटाया उसमें जो वो सिर्फ 4 बोल्ट पे है। ये भी एक स्टूल लिया हुआ है हमने। अच्छा, ये भी आपका ही है। ये स्टूल पूरा बन जाता है। ओह माय गॉड, बैठने के लिए आराम से बैठ सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता होगा कि सामान एक्स्ट्रा भी रख लिए तो यहाँ तक भी रख लिए तो भी कैमरा की वजह से, इसीलिए मैंने कैमरा लगाया है ना उसका ज्यादा। आप लेकिन आपके गाड़ी में तो ऑलरेडी है, बहुत गंदा है, गंदा है इसके लिए वो आप यूज ही नहीं कर, वो डायरेक्ट। और ये 7 सीटर का 360 नहीं है ना। हाँ, आप सिर्फ रिवर्स गियर में यूज करते, सिर्फ रिवर्स गियर में यूज करते, डायरेक्टली ऑन नहीं कर सकते उसे। हाँ, जो 360 व्यू वाला एमजी आता है उसमें ऑन कर सकते हैं, पर वो भी 10 किलोमीटर स्पीड के नीचे उसके बाद ये नहीं कर सकते। ओह दैट्स ग्रेट, अमेजिंग सर जी। और अभी कहाँ कहाँ जाने वाले हैं? अभी यहाँ से, अभी तो है शिमला में। यहाँ से आज निकले है कुल्लू मनाली। मनाली में एक दिन का हॉल्ट है। उसके आगे देखेंगे, जैसे चलेंगे उसके बाद स्पीति वैली, लेह लद्दाख, सब जगह जो भी कर सकते हैं विद फैमिली करने वाले। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ 2 बंदे हैं। आपको ये भी ऐड कर देंगे आगे के वीडियो में। और हाँ, ये दोनों गाड़ी अपन साथ साथ चलेंगे, जहाँ तक जा सकते हैं। ये फ्रंट व्हील ड्राइव है दोनों ही। हाँ, जितना भी घुस सकते हैं हम घुसाए नहीं। गाड़ी से खाना भी बनाएंगे। हाँ, खाना भी बनाएंगे वाले। आपको दिखाना है, अभी चालू हो जाएगा वो, दिखा देंगे। हाँ, कैंपिंग करेंगे अपन। ठीक है, दैट्स ग्रेट, थैंक यू वेरी मच सपनील जी। ओके, ये एक इंडियन जुगाड़ है। हाँ, ये नहीं दिखा सकता। हाँ, ये मैंने बनाया है। ये इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड है ये। ये किस लिए है? बैग लग जाएगा। हाँ, दिखा दो, सेपरेटर बनाने के लिए। हाँ, अच्छा, बच्चे यहाँ पे सो सकते हैं ना, अभी सीट भी ऊपर कर लिए ना। हाँ, पूरे हम्म, तो इतना जगह रहता है। हाँ, तो सारे सामान रख देने के बाद यहाँ पे भी सामान भर दिया। हम्म, और इसको इस तरह यहाँ से पे भी सामान यहाँ तक भर सकते हैं। बिकॉज वो विजिबिलिटी तो कैमरा से आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। और इतना तक लॉक कर दिए रखेंगे ऐसे। हाँ, तो वो गिरे नहीं। हाँ, ये जुगाड़ बना। वाह, और इसके पीछे ऑलमोस्ट 2 फीट का स्पेस बन गया वाइड। हाँ, तो सो जाएंगे, मतलब कोई दिक्कत ही नहीं। मेरा 8 साल का बच्चा आराम से सो जाता है। वाह, ये सब अमेजिंग प्लान है सर जी। सो गाइस, मुझे जस्ट आपको दिखाना था कि कितना अच्छे तरह से स्पेस का यूटिलाइजेशन किया जा सकता है और किस तरह से यू नो, आपकी एग्जिस्टिंग कार को बेस्ट यू नो, आजकल का जो ट्रेंड है ना कि कोई भी चीज़ नहीं हो रहा है तो नई चीज़ें खरीद लो, इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल ऑल द टाइम, बट उसको बेस्ट यूटिलाइजेशन करने का क्या, जस्ट इफ देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अपन ट्राई करेंगे, इंडियन जुगाड़ एक से एक होते हैं। दिस इज वन ऑफ द ग्रेट एग्जाम्पल। वी आई मीन मैं भी अपने 700 में अगले ट्रिप में करूँगा, आप जहाँ पे भी जाएंगे हम दोनों एक साथ जाएंगे। हाँ, हो सके। यस यस, दोनों गाड़ी एक साथ लेके विद फैमिली घूमने। हाँ, सो गाइस, ये था एक छोटा सा डिटेल जो कि मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था, इससे माइट भी आपको कुछ इंस्पिरेशन मिले, कुछ आइडिया मिले। और
यू कैन यूज द थिंग्स इन बेटर वे. सो गाइज दिस इज इट फॉर टूडे. मुझे आशा है आज का ये वीडियो आपके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेटिव होगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को अधिक से शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. मिलते हैं अगले एक एक्साइटिंग वीडियो में. टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय.